आईएसपी के टाउन सर्विसेज विभाग में सीआईएसएफ बैरक एवं सीआईएसएफ कॉलोनी में पानी सप्लाई के लिए बनाए गए नए पंप हाउस का 8 अगस्त 2018 को जीएमटीएस रेके भट्टा ने नारियल फोड़कर उद्घाटन किया। इनके अलावा अन्य उच्च स्तरीय अधिकारियों ने भी नारियल फोड़कर मंगलाचरण किए। पहले पुराने पंप हाउस के द्वारा सीआईएसएफ एवं आईएसपी टाउनशिप में पानी सप्लाई की जाती थी, जिसमें कभी कभी कुछ समस्या उत्पन्न होने के कारण न्यू टाउन तथा सीआईएसएफ कॉलोनी को पानी नहीं मिल पाता था। इसलिए इस समस्या को दूर करने के लिए टाउन सर्विसेज विभाग द्वारा बनाए गए योजना के अनुसार इस नए पंप हाउस का निर्माण किया गया, जहां से केवल सीआईएसएफ बैरक एवं कॉलोनी को पानी सप्लाई की जाएगी। आईएसपी का कॉलोनी बहुत पुराना है, उसके बाद नया सीआईएसएफ का कॉलोनी बना, बट उन लोग को पानी देने का नया कोई सिस्टम नहीं बने थे, लेकिन उसका प्रॉब्लम वही था, प्रेशर कम मिलते थे, पानी ठीक से मिलता नहीं था, पानी का सप्लाई इरेगुलर होता रहता था। इतने सारे कंप्लेन आने के बाद हम लोग ये पंप हाउस बनवाए, मतलब सीएसएफ का जो बैरक और कॉलोनी है न्यू टाउन में, उन लोग के लिए बनाया गया है। और ये पंप हाउस पिछले हफ्ता भी उद्घाटन भी हुआ है, अभी सक्सेसफुली पंप हाउस भी काम भी कर रहा है, और अभी उन लोग का प्रॉब्लम कुछ नहीं हो रहा है, और उम्मीद कर आगे भी नहीं होगा।